तो पिछली वीडियो में हमने कवर किया था कि हम डॉट नेट कोर के अंदर एपीएस कैसे बनाते हैं और उसमें ऐड अपडेट डिलीट कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में हम ये कवर करेंगे कि इस एपीआई को हम एंगुलर के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक एंगुलर का प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसके बाद जो ये डॉट नेट कोर की एपीआईज हैं इसको हम उसके साथ कनेक्ट करेंगे और हम अपने फ्रंट एंड एंगुलर प्रोजेक्ट से एपीआई के अंदर डेटा पास करेंगे और डेटाबेस में डेटा स्टोर करवाएंगे। तो आज का कंसेप्ट यही है। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक एंगुलर का प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ cmd एंड देन यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोड स्पेस डॉट। तो ऐसा लिखने से जो हमारा फोल्डर है वो विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे ng new, उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट का नेम, तो हम लिखेंगे एंगुलर क्रड और एंटर प्रेस कर देंगे और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद जैसे ही प्रोजेक्ट क्रिएट होगा एंड देन जो हम जो सर्विस क्रिएट करेंगे और उसके अंदर हमारी एपीआई जो है वो कॉल करेंगे। तो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। अभी हम प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं cd, उसके बाद हम लिखते हैं एंगुलर क्रड एंड एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं ng serve, उसके बाद ओपन। तो ये हमें पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं होती, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ng उसके बाद s for serve एंड ओपन। तो इतना लिख के अगर हम एंटर प्रेस करोगे तो वही काम करेगा जो ng serve करता है। तो यह इसकी एक शॉर्टकट कमांड है। तो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो रन हो चुका है। तो अभी हम इसका आउटपुट देखते हैं कि हमें क्या दिखता है, उसके बाद हम जो है अपना कोड स्टार्ट करेंगे। तो ये एंगुलर का जो इनबिल्ड टेम्पलेट है वो बिल्ड हो गया है। इसके बाद हम ये सारा कंटेंट रिमूव करेंगे। तो हम यहाँ पे एक जो है एक फॉर्म लेंगे जिसकी मदद से हम एक डाटा ऐड करेंगे इस एपीआई को कनेक्ट करके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, विजुअल स्टूडियो में आएंगे और यहाँ पे हम अपना जो प्रोजेक्ट का फोल्डर है उसको ओपन करेंगे एंड देन src फोल्डर के अंदर हमने जो यहाँ पे कंटेंट दिया हुआ है ऑलरेडी इस सारे को रिमूव करेंगे और यहाँ पे हम एक h2 टैग ले लेते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं angular 17 और इसको सेव करते हैं और इसको अभी हम इसका आउटपुट देखते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्म क्रिएट करेंगे और फॉर्म की जो वैल्यू है वो हम एपीआई के अंदर भेजेंगे और वहाँ पे हम स्टोर करवाएंगे। तो वो हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हमें एक यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा। उससे भी पहले हमें जो फॉर्म का रिएक्टिव फॉर्म का मॉड्यूल है उसको यहाँ पे इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल, तो इसकी R कैपिटल होगी। इसका मैं प्रॉपर सेंटेक्स देख लेता हूँ। रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल S है तो हम इसको S कर देते हैं और इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्म है वो इंपोर्ट हो चुका है। अभी हम इसका जो फॉर्म है वो यूज कर सकते हैं। तो उसको यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लेंगे और इसके अंदर हम जो है एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे प्राइवेट, उसके बाद fb मतलब फॉर्म बिल्डर और उसके बाद यहाँ पे हम जो है एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे फॉर्म का जो हम html के अंदर यूज करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यूजर फॉर्म, इसको एनी टाइप दे दूंगा, किसी भी तरह का डाटा इसके अंदर आ सकता है। तो एक फॉर्म को डिक्लेयर करने का जो सिंटेक्स है वो अभी मैं यहाँ पे टाइप करूंगा और आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। यहाँ पे आप लिखोगे दिस डॉट यूजर फॉर्म इज इक्वल टू, उसके बाद आप लिखोगे दिस डॉट fb मतलब फॉर्म बिल्डर, उसके बाद ग्रुप। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि फॉर्म बिल्डर से एक ग्रुप नाम का ऑब्जेक्ट है उसको उठाओ और उसकी मदद से हमें इनपुट्स की जो वैल्यू है वो गेट करनी है और फॉर्म के अंदर ऐड करवानी है। तो सबसे पहला जो हमारा इनपुट है वो हम देख लेते हैं हमारा क्या होगा। तो हम यहाँ पे जाएंगे ऐड यूजर वाले में, यहाँ पे हमारा जो पहला है वो है नेम। तो हमें नेम
तो हमने तीनों ऑब्जेक्ट ले लिए हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, एचटीएमएल में जाते हैं, वहां पे हम इसको जो है बाइंड करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर्म, फॉर्म टैग लेते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर्म ग्रुप, फॉर्म ग्रुप के अंदर हम इसको ऐड कर देते हैं, और यहाँ पे हम लेंगे इनपुट, इनपुट टाइप होगी इसकी टेक्स्ट, टेक्स्ट के बाद हम लिखेंगे इसका प्लेस होल्डर ले लेंगे, प्लेस होल्डर एंटर नेम, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है इसका नेम लेंगे, नेम हो हमारा होगा नेम और फॉर्म कंट्रोल नेम, तो ये भी नेम होगा, इसको हम बंद करते हैं यहाँ पे। और नेक्स्ट जो हमारा इनपुट होगा वो होगा टेक्स्ट टाइप का होगा, वो भी उसमें हम लेंगे प्लेस होल्डर, और यहाँ पे हम देख लेते हैं नेक्स्ट जो है ईमेल है, तो एंटर ईमेल लिख देते हैं, ठीक है। इसका भी एन स्मॉल कर देते हैं, और यहाँ पे हम लिख देते हैं नेम, नेम क्या होगा ईमेल, और फॉर्म कंट्रोल नेम वो भी ईमेल। तो इनके जो स्पेलिंग है वो सेम होने चाहिए, ये केस सेंसिटिव होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो भी ले लेते हैं हम, यहाँ पे मोबाइल, और यहाँ पे भी मोबाइल, यहाँ पे भी मोबाइल। तो ये हमने एक फॉर्म बना लिया, उसके बाद हमें इसको सबमिट भी करना होगा, उसके लिए हम एक बटन ले लेते हैं, बटन टाइप इज इक्वल टू सबमिट, या बटन ही दे देते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं सबमिट। तो इसका एक बार हम आउटपुट देख लेते हैं, मैंने इसको सेव कर दिया। अभी हम इसकी जो एचटीएमएल फाइल है उसके अंदर जाएंगे ब्राउजर के अंदर, और यहाँ पे जो इसका आउटपुट है वो देखते हैं। तो पेज लोड हो रहा है, उसके बाद हम इसका आउटपुट देखते हैं। हमारे जो इनपुट्स हैं वो आ चुके हैं, और यहाँ पे एक सबमिट का बटन भी आ गया है। तो सबमिट पे हमें एक फंक्शन कॉल करवाना होगा, उस फंक्शन से हम क्या करेंगे, इन इनपुट्स की जो वैल्यू है वो गेट करेंगे। तो वो हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबमिट फॉर्म नाम का एक फंक्शन लेते हैं, और यहाँ पे पहले हम जो वैल्यूज हैं वो कंसोल करवा के देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्म वैल्यूज, और उसके बाद हम यहाँ पे दे देते हैं दिस डॉट यूजर फॉर्म डॉट वैल्यू, ठीक है। इतना लिखने के बाद इसको सेव करके हम इसकी जो आउटपुट है वो कंसोल के अंदर देखते हैं। तो अभी पेज लोड होगा, एंड देन हम यहाँ पे लिखते हैं नेम namon@mail.com, उसके बाद मोबाइल नंबर कुछ भी टाइप कर सकते हैं, और इसको मैं इंस्पेक्ट में खोल लेता हूँ। और यहाँ पे आप कंसोल में जैसे देखोगे तो कंसोल हमारी पूरी खाली है, इसको हम क्लियर कर लेते हैं जो है। तो इसके बाद जैसे आप इसको सबमिट करोगे तो इसका आउटपुट नहीं आ रहा, क्योंकि हमने एक फंक्शन बना लिया लेकिन उसको हमने कॉल नहीं करा, तो उसको यहाँ पे कॉल भी करना पड़ेगा। तो इसको हम करते हैं क्लिक मेथड पे कॉल, कि जब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे उस टाइम पे जो है हमारा मेथड रन हो जाए। तो मैं इसको सेव दोबारा करता हूँ, और पेज दोबारा से लोड होगा, हम दोबारा से इंफॉर्मेशन फिल करके इसको सबमिट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, कुछ भी दे देता हूँ, और इसके बाद इंस्पेक्ट करेंगे, यहाँ से हम इसको करेंगे सबमिट। तो जैसे मैं इसको सबमिट करूँगा तो आप कंसोल के अंदर इसकी वैल्यू देख सकते हैं। मैं दोबारा सबमिट करता हूँ, इसको क्लियर करके सबमिट करते हैं, एंड देन इसकी जो वैल्यू है हमें यहाँ पे मिल गई। बस यही वैल्यू हमें एपीआई को पास करनी है, तो वो हम कैसे करते हैं वो भी हम अभी सीख लेते हैं। तो एंगुलर में अगर हमें एपीआई के साथ कम्युनिकेशन करना हो तो हमें एक सर्विस की जरूरत पड़ती है, तो हमें एक सर्विस बनानी पड़ेगी, उस सर्विस को हमें यहाँ पे कॉल करवाना पड़ेगा, और फिर उसके बाद जो हमारी वैल्यूज है वो सर्विस के जरिए हम एपीएस के अंदर भेज सकते हैं। तो वो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। वो कैसे करते हैं, उसके लिए हम पहले अब जो है टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर आएंगे, एंगुलर 17 एंगुलर क्रड, और इसको एंटर प्रेस करेंगे, एंड देन यहाँ पे हम लिखेंगे एनजी जनरेट, जी फॉर जनरेट एंड एस फॉर सर्विस। तो हम सर्विस क्रिएट करना चाहते हैं, तो मैं सर्विस का नाम लिख देता हूँ यूजर, ठीक है। तो यूजर नाम की हमारी एक सर्विस जो है वो क्रिएट होके आ जाएगी, और उस सर्विस के अंदर हम वो कोड लिखेंगे जिसके थ्रू हम एपीआई को कॉल करेंगे। तो जैसे ही मैं ऐप को ओपन करूंगा, यहाँ पे आप देखोगे एक स्पेक फाइल है, इसको हम डिलीट कर देंगे, ये टेस्टिंग की फाइल है, इसको हम बाद में कभी इस
किसी और वीडियो में इसको हम कवर करेंगे। तो यहाँ पे जो यूजर सर्विस डॉट टी एस फाइल है, इसके अंदर हम अपना जो कोड है वो लिखेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लेते हैं एक वेरिएबल बेस यूआरएल। हमारा बेस यूआरएल क्या होगा? बेस यूआरएल एक्चुअल वो यूआरएल होता है जो हमें एपीआई के साथ कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है, जो एपीआई हमें प्रोवाइड करती है। तो इस टाइम हमारा जो बेस यूआरएल है वो ये है, इसको हम कॉपी करते हैं, ये हमारा बेस यूआरएल है। तो और यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमें एक और चीज़ देनी होती है, वो होती है एपीआई। बस इतना लिखना होता है, ये हमारा बेस यूआरएल बन जाता है। और उसके बाद हमें यहाँ पे एक मेथड बनाना होता है, और वो मेथड एचटीटीपी क्लाइंट के साथ चलता है। तो सबसे पहले हम जो एचटीटीपी क्लाइंट है उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, प्राइवेट एचटीटीपी क्लाइंट एंड एचटीटीपी क्लाइंट यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं, और इसको हम नीचे यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एड यूजर, और उसके बाद हम इसका जो सिंटैक्स है वो लिख लेते हैं। इसका जो टाइप होगा एनी टाइप का हम दे देंगे। उसके बाद रिटर्न करेंगे, रिटर्न में हम क्या करेंगे, एपीआई हिट करवाएंगे, दिस डॉट एचटीटीपी क्लाइंट। उसके बाद हमें एपीआई का जो टाइप होता है वो देना पड़ता है, गेट पोस्ट पुट डिलीट, वो हम यहाँ पे देंगे। तो हम देख लेते हैं हमारी जो एपीआई है किस टाइप की है। तो आप यहाँ पे देखोगे ये पोस्ट टाइप की एपीआई है, तो इसको हम लिखते हैं पोस्ट, POST। उसके बाद ब्रैकेट्स एंड देन हमारा जो यूआरएल है वो स्टार्ट होगा। यहाँ पे पहले लिखते हैं बेस यूआरएल, उसके बाद हमारा जो एपीआई का यूआरएल होता है वो लिखते हैं हम यहाँ पे। तो वो क्या है, एड यूजर, एड यूजर के साथ हमने रिक्वेस्ट बॉडी भेजी हुई है, तो वो हम कैसे भेजते हैं वो भी हम यहीं पे डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे हम लिखेंगे एड यूजर, इसको आपको कोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा। एंड देन यहाँ पे आपको जो है अपना मॉडल पास करना पड़ेगा, तो वो मॉडल बॉडी क्या होगी वो हम यहाँ से पास करेंगे। यहाँ पे मॉडल एनी लिख लेता हूँ, क्योंकि यही हमें यहाँ से पास करना है, ये वाला, ये फॉर्म कंट्रोल जो हमने गेट किए थे वो सारे हमने यहाँ पे एपीआई में पास करने। तो मैं यहाँ पे इसको पास कर देता हूँ। तो इतना सिंटेक्स है एपीआई को कॉल करने का। उसके बाद हम जाते हैं अपनी कंपोनेंट के अंदर, यहाँ पे हम सबसे पहले जो सर्विस हमें यूज करनी है उसको यहाँ पे इम्पोर्ट करेंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा प्राइवेट यूजर सर्विस, और यूजर सर्विस को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। ये आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, यू सर्विस भी दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको क्या नाम देना चाहते हैं। मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिखूंगा, और इसके अंदर हमने जो मेथड बनाया है उसको कॉल करेंगे एड यूजर। इसके अंदर हमें पैरामीटर भेजना पड़ेगा, पैरामीटर नहीं रिक्वेस्ट बॉडी भेजनी पड़ेगी, तो वो क्या होगी, यूजर फॉर्म डॉट वैल्यू। और उसके बाद इसको हम लिखेंगे सब्सक्राइब, एंड देन जो है यहाँ पे हम इसकी वैल्यू गेट कर लेंगे, कंसोल डॉट लॉग वैल्यू, उसके बाद एक्स। एंड यहाँ पे हम अलर्ट लगाएंगे, और अलर्ट में लिखेंगे यूजर एडिट। तो इतना लिखने के बाद हम इसको करेंगे सेव, और अभी इसका जो आउटपुट है वो देखते हैं। तो ब्राउजर में चलते हैं, यहाँ पे हम जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको रीलोड होने लेते हैं। उसके बाद हम जो है इसको सबमिट करेंगे, और देखते हैं कि जो डेटा है वो हमारा स्टोर हुआ या नहीं। तो जैसे हम ब्राउजर में आएंगे तो हमें यहाँ पे एक HTTP क्लाइंट का एरर दिख रहा है। तो ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमने जो इसका मॉड्यूल है उसको डिफाइन नहीं करा है कॉन्फिग में। तो वो हम कैसे करते हैं, उसके लिए हम जाएंगे ऐप कॉन्फिग डॉट टी एस फाइल में। तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रोवाइडर HTTP क्लाइंट, एंड देन ये लास्ट में लगाते हैं इसकी ब्रैकेट, और इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इसको जैसे आप सेव करोगे आपको जो एरर है वो जा चुका होगा। तो हम ब्राउज़र में चलते हैं, ब्राउज़र जैसे ही लोड होगा तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो फॉर्म है ओपन हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो हम देखते हैं कि एपीआई के साथ इसको कैसे कम्युनिकेट करवाना है। तो एक चीज़ हमने और मिस की थी, क्योंकि इसके अंदर जो है हमने जब इसको एपीआई को हिट करवाते हैं तो यहाँ पे हमने कंट्रोलर का नाम दिया हुआ है, यहाँ पे यूज़र एंड देन एड यूज़र है, तो वो भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा अपनी सर्विस के अंदर। तो सर्विस को ओपन करता हूँ, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा यूज़र और यहाँ पे स्लैश। तो
इतना यूआरएल तो हमारा यहाँ से आ जाएगा, देन बाकी जो बचा हुआ यूआरएल है हमने यहाँ पे क्लिक किया। तो यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ ब्राउजर को और आपको एक बार सर्विस में दिखा देता हूँ। एपीएस के अंदर यहाँ पे एपीए यूजर एंड देन ऐड यूजर। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं पहले, एंड देन जो है इसको जो डाटा है वो सेव करवा के देखते हैं। तो ये लोड होगा अभी, एंड इसको हम इंस्पेक्ट कर लेते हैं। वहां मैं आपको नेटवर्क के अंदर इसकी जो रिक्वेस्ट है वो दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुमार, एंड देन ईमेल कुछ भी लिख सकते हो आप, मोबाइल नंबर, एनीथिंग, एंड देन सबमिट। और जैसे सबमिट करोगे हमारी यूपीआई जो है वो हिट हो जाएगी। तो यूपीआई में हमने चेक लगाया था कि अगर यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो क्या करेगा, वो उसी यूजर को अपडेट कर देगा, नहीं तो नया यूजर ऐड कर देगा। तो मैं इसको करूंगा कंटिन्यू, एंड देन आप देखोगे यूजर एडिट करके हमें जो है मैसेज मिल गया। और नेटवर्क के अंदर आप इसकी जो रिक्वेस्ट देखोगे उसमें हम देखेंगे पेलोड, पेलोड हमने ये भेजे थे और एपीआई से हमें जो रिस्पॉन्स आया वो ये है। उसमें मैसेज आया है यूजर एडिट, और हमने जो अलर्ट में भी मैसेज दिखाया था। तो यूजर को ऐड करवा लिया हमने। अब हम क्या करते हैं, इसकी एक नीचे जो है लिस्ट भी ऐड करके देख लेते हैं कि उसका जो डेटा है वो सारा नीचे लिस्ट में आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक लिस्ट बना लेते हैं यहाँ पे HTML के अंदर। यहाँ पे मैं एक टेबल ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ TR, उसके बाद TH, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा नेम, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा ईमेल, एंड देन मैं मोबाइल नंबर दिखाना चाहता हूँ तो मोबाइल नंबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, और यहाँ पे हम एक और टीयर ले लेंगे और इसके अंदर हम लेंगे TD टैग, टेबल डेट। तो TD लेंगे, यहाँ पे हम जो नाम एक बार कुछ भी दिखा देते हैं, फिर उसके बाद हम लूप लगाएंगे यहाँ पे ईमेल, और यहाँ पे मोबाइल नंबर कुछ भी। तो एक बार के लिए हमने ये डाटा दिखा दिया है। उसके बाद हम इसको सेव ऑल करेंगे और इसका जो आउटपुट है वो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं, एंड देन जो है हम एपीआई से डाटा गेट करेंगे और वो यहाँ पे दिखाएंगे। तो ये एक लिस्ट आ गई है हमारी। तो हम ये एपीआई यूज करेंगे गेट यूजर्स वाली, और इसके अंदर ये डाटा आ रहा है इसको हम वहाँ पे प्रिंट करवाएंगे। तो वो हम कैसे करवाएंगे, गेट यूजर्स वाली एपीआई इसको हम कॉल करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं एक मेथड बना लेता हूँ पहले, गेट ऑल यूजर्स, एंड देन यहाँ पे जो है वैसे ही दिस डॉट यूज सर्विस। उसके बाद इसके अंदर हम एक मेथड बनाएंगे गेट यूजर्स नाम का, जो हमारी सर्विस होगी डॉट सब्सक्राइब, एंड देन उसके बाद हम एक्स के अंदर इसकी जो वैल्यू है वो ले लेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है यहाँ पे हम इसको पहले कंसोल करवा के देख लेंगे, कंसोल डॉट लॉग यूजर्स, और यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स। तो एक्स के अंदर जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आ जाएगी। ये एरर इसीलिए दे रहा है क्योंकि हमने सर्विस के अंदर ही इसको डिक्लेयर नहीं किया। तो हम सर्विस के अंदर जाते हैं और यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं, इसको भी हम सेम वैसे ही सिंटेक्स इसका लिख लेते हैं। उसके बाद इसका जो रिस्पॉन्स होगा एनी टाइप का होगा, किसी भी तरह का डेटा आ सकता है, एंड रिटर्न में हम लिखेंगे दिस डॉट HTTP क्लाइंट डॉट गेट मेथड है, और उसके बाद दिस डॉट बेस URL, एंड देन प्लस करके हम लिखेंगे यूजर, और उसके बाद स्लैश, एंड देन हमारा जो मेथड का नाम है गेट यूजर्स। इसको हम मैच कर लेते हैं कि ये सेम होना चाहिए, गेट यूजर्स, तो ये बिल्कुल सेम है। अभी हम क्या करते हैं, हमने इसको मेथड को बना लिया, इसको अभी हमें कॉल करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर ये भी इसको पहले कॉल कर लेते हैं। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर जो मेथड हम कॉल करते हैं वो सबसे पहले वो ही लोड होता है। तो इसको मैं सेव करता हूँ, जैसे ही पेज लोड होगा तो हमारा जो ये मेथड है वो कॉल हो जाएगा। तो ब्राउजर ओपन करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, और उसके बाद हम कंसोल में पहले डाटा देख लेते हैं, फिर उसको हम लूप की मदद से हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे।
यहाँ पे आप देखोगे यूजर्स, तो यूजर्स के अंदर आप रिजल्ट देखोगे, रिजल्ट के अंदर तीनों रिकॉर्ड हमारे आ चुके हैं और मैसेज हमारा आया सक्सेस। तो यहाँ पे हम जाएंगे टीएस फाइल के अंदर, यहाँ पे इस मेथड के अंदर, यहाँ पे हम लिखेंगे इफ एक्स डॉट मैसेज इज इक्वल टू, अगर सक्सेस है मतलब सक्सेस मैसेज रिटर्न हो रहा है, तो एक यूजर्स नाम का ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एक्स डॉट रिजल्ट की जो वैल्यू है वो डलवा दो। तो उसको हम डिक्लेयर कर लेते हैं। डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पे हम ऊपर इसको डिक्लेयर कर लेंगे एंड देन जो है इस यूजर को हम HTML के अंदर यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम फोर लूप लगाएंगे। फोर लूप का एंगुलर के अंदर सिंटैक्स चेंज हो चुका है, उसके लिए हम ऐसे लिखेंगे फोर, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे आइटम ऑफ हमारी जो लिस्ट का नाम है, लिस्ट का नाम था यूजर्स, तो ये मैच करना चाहिए प्रॉपर। कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं यहाँ से, कॉपी एंड पेस्ट। एंड यहाँ पे लिखेंगे हम ट्रैक, ट्रैक हम आइटम से करेंगे इसको, और उसके बाद हम जो है इसको यहाँ पे बंद कर देंगे। और यहाँ पे हम लिखेंगे आइटम डॉट नेम, इन दोनों को रिमूव कर देंगे और इसको कॉपी पेस्ट नीचे कर देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे ईमेल और यहाँ पे हम लिखेंगे मोबाइल। तो यही सिंटैक्स है लूप को लगाने का एंगुलर के अंदर। इसको हम सेव करते हैं और तो ब्राउजर को ओपन करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे वो तीन रिकॉर्ड यहाँ पे आना शुरू हो गए। तो मैं यहाँ पे कुछ और लिखता हूँ, मोहित मोहित एट द रेट मेल डॉट कॉम, एंड देन यहाँ पे कोई भी नंबर डालता हूँ। इसको जैसे ही सबमिट करूंगा हमारी API हिट हुई और यूजर जो हमारा सबमिट हो जाएगा। यूजर सबमिट हुआ लेकिन नीचे जो है लिस्ट बाइंड नहीं हुई। लिस्ट इसीलिए नहीं बाइंड हुई क्योंकि पेज हमने रिफ्रेश नहीं करा, तो ये जो न्यू यूजर है वो आ गए। तो इस चीज को हम कैसे सॉर्ट करेंगे कि बिना रिफ्रेश के ही हमारा जो यूजर है नीचे दिख जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी लिस्ट को सेम को हम जब यूजर ऐड हो रहा है उसी टाइम पे इसके नीचे कॉल करवा देंगे। तो इतना ही करना है। उसके बाद आप जाएंगे एंगुलर के अंदर, ब्राउजर के अंदर, और यहाँ पे आप देखोगे जो जैसे मैं यहाँ पे कोई भी यूजर क्रिएट कर रहा हूँ वो आपको नीचे दिखना शुरू हो जाएगा। तो मैं कुछ भी डिटेल डाल लेता हूँ, इसको ऐड करते हैं ऐड यूजर और वो नीचे आ गया। ऐसे आप कुछ भी डाल सकते हो, टेस्ट टेस्ट, और यहाँ पे मोबाइल नंबर कुछ भी डाल सकते हो। ऐड किया, नीचे ऐड हो गया। तो इतना आसान है लिस्ट को प्रिंट करवाना और एंगुलर के अंदर रिएक्टिव फॉर्म को यूज करना, एंड उसके बाद जो है जो हमने API के साथ कम्युनिकेट किया। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।